हेलो एवरीवन, तो ये वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि मेरी इंटरमीडिएट की स्ट्रैटेजी कैसी थी और मैंने कौन से रेफरेंस बुक्स यूज़ किए थे मेरे आईपीसीसी एग्जामिनेशन में। क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट आया था पिछले वीडियो में कि आईपीसीसी की भी स्ट्रैटेजी शेयर कीजिए, तो ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन्हें डाउट था कि मैंने आईपीसीसी कौन से रेफरेंस बुक से यूज़ की थी और मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो आइए देखते हैं ये वीडियो में व्हाट वाज माय स्ट्रैटेजी फॉर आईपीसीसी एग्जामिनेशन। ओके, सो स्पीकिंग अबाउट सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट वंस अगेन, फर्स्ट वन आई वुड टेक अकाउंट्स। अकाउंटिंग के लिए मैंने एक रेफरेंस बुक मंगवाई थी पदुका करके, और वही रेफरेंस बुक में से मैंने सारे सम सॉल्व किए थे। वो रेफरेंस बुक के सम सॉल्व करने के बाद मैंने स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस मैनुअल ये दोनों सॉल्व किया था। जब मैंने स्टडी मैट और प्रैक्टिस मैनुअल सॉल्व किया तब क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हो गए थे और मेरी कॉन्फिडेंस भी आ गया था अकाउंटिंग सब्जेक्ट में। तो अपार्ट फ्रॉम स्टडी मटेरियल एंड प्रैक्टिस मैनुअल, आई डोंट थिंक जेन्युइनली देयर इज सम नीड टू डू एनी अदर थिंग फॉर अकाउंटिंग। इफ़ यू नीड सम कॉन्फिडेंस इन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, यू कैन गो फॉर एनी रेफरेंस बुक, लाइक आई हैड गॉन फॉर अ रेफरेंस बुक। तो रेफरेंस बुक का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना मॉड्यूल्स का है, क्योंकि मॉड्यूल्स जो है वो काफ़ी ज़रूरी होते हैं। और इसके साथ साथ मैंने पास्ट 3 अटेम्प्ट्स के रिविजन टेस्ट पेपर्स और प्रीवियस 2 अटेम्प्ट्स के मॉक टेस्ट पेपर्स भी सॉल्व किए थे अकाउंटिंग सब्जेक्ट के लिए। तो प्रीवियस 3 रिविजन टेस्ट पेपर्स जो है काफ़ी हेल्पफुल लगे थे मुझे, और मॉक टेस्ट पेपर्स भी मैंने लिख के दिए थे एग्जामिनेशन सेंटर पे जाके, ताकि मुझे एग्जामिनेशन के पहले आइडिया आ जाए कि हाउ इज़ इट एक्चुअली टू राइट एन एग्जामिनेशन एंड वेदर आई एम एबल टू कम्प्लीट द होल एग्जाम विद इन अ स्पैन ऑफ 3 आवर्स और नॉट। तो इसलिए मैंने मॉक टेस्ट भी दिए थे एग्जामिनेशन सेंटर पर जाकर, और मॉक टेस्ट देने के बाद मैंने फाइनल एग्जामिनेशन दी थी आईपीसीसी की। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है लॉ। लॉ के लिए मैंने मुनीश भंडारी सर की रेफरेंस बुक मंगवाई थी और मैंने ओल्ड कोर्स की प्रैक्टिस मैनुअल की थी। ओल्ड कोर्स एज इन हमारे टाइम तो एक ही कोर्स था आईपीसीसी का, देयर वाज नो न्यू कोर्स एज सच। तो हमारे टाइम प्रैक्टिस मैनुअल था, स्टडी मटेरियल था, तो मैंने स्टडी मटेरियल इग्नोर किया था लॉ का, बिकॉज दैट वाज वेरी डिटेल्ड और उसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स थे जो एक बार पढ़े तो मतलब थोड़ा मोनोटोनस लगता था, इसलिए मैंने स्टडी मैट नहीं किया था। मैंने मुनीश भंडारी की रेफरेंस बुक मंगवाई थी और उसी में से सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। वो बुक में ऑलमोस्ट हर पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस कवर थे, तो इसलिए मैंने सेपरेटली रिविजन टेस्ट पेपर्स और मॉक टेस्ट पेपर्स नहीं दिए। इनफैक्ट मॉक टेस्ट पेपर दिए मैंने सेंटर पर जाकर, लेकिन रिविजन टेस्ट पेपर लॉ के लिए नहीं सॉल्व किए, क्योंकि मुनीश भंडारी की रेफरेंस बुक में आई थिंक मोर और लेस इट वॉज कवर्ड। तो ये था लॉ के। और मैंने एक अनअकैडमी के चैनल पे ये भी डाला है कि हाउ टू प्रेजेंट आंसर्स इन ऑडिट एंड लॉ, तो अगर आपको वो देखना हो तो उसमें सीए फाइनल की मेरी सर्टिफाइड कॉपीज डिस्कस की है मैंने, तो आप आई बटन पे क्लिक करके अनअकैडमी के चैनल पे अपलोडेड है वो देख सकते हो। तो लॉ में मैंने वैसे 80 स्कोर किए थे आईपीसीसी में, तो अगर आपको चाहिए तो मैं लॉ की सर्टिफाइड कॉपी भी डिस्कस कर सकता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख लेना कि डिस्कस द लॉ स्पेसिफाइड लॉ सर्टिफाइड कॉपी, सो दैट आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट। नेक्स्ट, स्पीकिंग अबाउट कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो इस पर तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल दिया है मेरे ही चैनल पर, जहाँ पे मैंने 95 मार्क्स स्कोर किए थे। फ्रेंकली स्पीकिंग, मैंने स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस मैनुअल के अलावा कुछ नहीं किया था कॉस्टिंग एंड एफएम के लिए। ट्रस्ट मी, अगर आप स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस मैनुअल पे फोकस करोगे तो आई थिंक यू वुड बी एबल टू सॉल्व ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस, एस्पेशली द थियोरी क्वेश्चंस, वेर इन यू जस्ट हैव टू मेमोराइज द की वर्ड्स एंड एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। अगर आप थियरी क्वेश्चंस में एक बार कीवर्ड्स लिख देते हो और वही कीवर्ड्स अंडरलाइन कर देते हो, और वो कीवर्ड्स अगर आप खुद के वर्ड्स में भी एक्सप्लेन कर लोगे, तो आई थिंक एग्जामिनर वुड गिव यू फुल मार्क्स, कंसीडरिंग द फैक्ट दैट आपके कीवर्ड्स और सजेस्टेड आंसर्स या मॉडल आंसर्स के कीवर्ड्स मैच कर रहे हैं। तो ये मैंने कॉस्टिंग एफएम के लिए किया था, और प्रीवियस 3 अटेम्प्ट्स के रिविजन टेस्ट पेपर्स भी किए थे और 2 अटेम्प्ट्स के मॉक टेस्ट पेपर्स भी सॉल्व किए थे कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो देखना है तो आई बटन पे क्लिक कर लेना। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने ये भी डिस्कस किया है कि हाउ टू स्कोर 90 प्लस इन कॉस्टिंग एंड एफएम, जहाँ पे मैंने मेरी 95 मार्क्स की सर्टिफाइड कॉपी अपलोड की है, और मैंने डिस्कस किया है मेरा प्रेजेंटेशन कैसा था एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट, स्पीकिंग अबाउट टैक्सेशन, आई वुड डिवाइड इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो मैंने टैक्सेशन के लिए मनोहरन सर की बुक रेफर की थी डायरेक्ट टैक्सेशन के लिए, और इनडायरेक्ट टैक्सेशन के लिए मैंने मॉड्यूल्स ही रेफर किए थे। फ्रैंकली स्पीकिंग, मॉड्यूल्स वर वन ऑफ द बेस्ट। इनडायरेक्ट टैक्स के भी मॉड्यूल्स काफ़ी हेल्पफुल थे मेरे लिए, और डायरेक्ट टैक्स के मॉड्यूल्स बहुत वास्ट थे और इट वॉज वेरी वॉल्यूमिनस, इसलिए मैंने रेफरेंस बुक मंगवाई TN मनोहरन सर की, जो कि काफ़ी हेल्पफुल थी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। इसके अलावा मैंने वापस प्रीवियस 3 अटेम्प्ट्स के RTPs और 2 अटेम्प्ट्स के मॉक टेस्ट पेपर्स भी सॉल्व किए टैक्सेशन सब्जेक्ट के लिए, बिकॉज ऑफ विच आई वॉज एबल टू स्कोर डिसेंट मार्क्स इन टैक्सेशन। और टैक्सेशन का हमारा नवंबर 2016 का पेपर वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर इन आईपीसीसी टेन्योर। तो आईपीसीसी के पूरे टेन्योर में हमारा ऐसा पेपर था कि इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट, बट स्टिल आई वॉज एबल टू स्कोर एन एग्जेम्प्शन इन टैक्सेशन।
and I managed to score good marks because of the reference books and because of the focus on module as far as indirect tax was concerned. तो आई थिंक मॉड्यूल पे ज़्यादा फोकस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ICAI मॉड्यूल के अलावा कहाँ से भी नहीं पूछेगा क्वेश्चंस. दे आर ओनली गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम द मॉड्यूल ओनली. ठीक है, तो ये थी टैक्सेशन की बात. देन नेक्स्ट स्पीकिंग अबाउट एडवांस्ड अकाउंट्स. एडवांस्ड अकाउंट्स भी मैंने पादुका की रेफरेंस बुक से सम सॉल्व किए थे और उसके अलावा मैंने स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस मैनुअल्स के भी सम सॉल्व किए थे. तो मैंने प्रैक्टिस मैनुअल और स्टडी मटेरियल के सम सॉल्व क्यों किए थे, क्योंकि अकाउंटिंग जो पेपर वन था उसमें एक क्वेश्चन डायरेक्टली स्टडी मटेरियल से इलस्ट्रेशन आ गया था. तो वो मुझे आज भी याद है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है. मैं आज भी बहुत रिग्रेट करता हूँ कि मैंने सिर्फ वही एक क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 6, मुझे इतना भी याद था कि वो मॉड्यूल का था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, मैंने वो स्किप कर दिया था और वही एग्जैक्ट इलस्ट्रेशन हमारे पेपर वन अकाउंटिंग में पूछा गया था. तो इसीलिए स्टडी मटेरियल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अगर आपको लगता है कि नहीं प्रैक्टिस मैनुअल किया तो ऑफकोर्स सफिशिएंट हो जाएगा. अभी आई थिंक प्रैक्टिस मैनुअल है भी नहीं न्यू कोर्स में, फाइनल में तो नहीं है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इंटरमीडिएट. बट देन स्टडी मैट पे तो बहुत फोकस करना एडवांस अकाउंट्स के लिए भी. स्टडी मटेरियल से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. दे जस्ट चेरी पिक द क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टडी मैट एंड दे आस्क यू इन द एग्जामिनेशन. यू वुड बी वेरी लकी इफ द क्वेश्चंस हैव बीन चेरी पिक्ड फ्रॉम द मॉड्यूल इटसेल्फ बिकॉज यू हैव ऑलरेडी सॉल्व देम वंस बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन. और ये गलती के कारण मैंने एडवांस अकाउंट्स की स्टडी मैट पूरी सॉल्व की थी जो मेन इलस्ट्रेशंस थे. मुझे अकाउंटिंग के सब्जेक्ट के बाद पता चला कि एडवांस्ड अकाउंट्स की स्टडी मैट करना सॉल्व करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ट्रस्ट मी, मैंने सिर्फ वो 1.5 डेज में मैंने 0.5 डेज में स्टडी मैट के मेन इलस्ट्रेशंस कवर किए थे और फिर वो वन डे में मैंने फिर प्रैक्टिस मैनुअल के जो आर मार्क क्वेश्चन हैं आर फॉर रिवाइज वो प्रैक्टिस किए थे. तो इसी वजह से मैं एडवांस अकाउंट में भी बहुत अच्छा स्कोर कर पाया था. देन नेक्स्ट स्पीकिंग अबाउट ऑडिटिंग. ऑडिटिंग मैंने ओनली प्रैक्टिस मैनुअल किया था और कंपाइलर किया था. कंपाइलर हमारे टाइम इशू हुआ था जहाँ पे प्रीवियस पास्ट अटेम्प्ट के सब क्वेश्चंस थे और वो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैंने ओल्ड कोर्स की प्रैक्टिस मैनुअल भी सॉल्व की थी. तो प्रैक्टिस मैनुअल से आइडिया आ गया कि क्वेश्चंस क्या टाइप के पूछे जा सकते हैं और हमारे टाइम ऑडिट का पूरा पेपर ऑलमोस्ट प्रैक्टिस मैनुअल में से ही आया था. सो फॉर दोज ऑफ यू हु आर इन इंटरमीडिएट कोर्स, आई थिंक फोकसिंग ऑन स्टडी मैट और प्रैक्टिस मैनुअल वुड बी वेरी बेटर एंड बेनिफिशियल फॉर यू इफ़ यू आर इन द इंटरमीडिएट कोर्स. देन लास्ट स्पीकिंग अबाउट IT एंड SM. तो हमारे टाइम IT एंड SM था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. इसके लिए भी ट्रस्ट में मैंने मॉड्यूल्स भी पढ़े थे और प्रैक्टिस मैनुअल भी पढ़ा था. प्रैक्टिस मैनुअल तो बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत इट वॉज वेरी वेल ड्राफ्टेड फॉर IT एंड SM. ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चन दैट कम फ्रॉम द प्रैक्टिस मैनुअल ओनली. एंड स्पीकिंग अबाउट द स्टडी मटेरियल, इट वॉज नॉट वेल ड्राफ्टेड बट देन वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, सो आई हैड रेड द स्टडी मटेरियल इन ऑर्डर नॉट टू लूज मार्क्स इफ सम क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द स्टडी मैट विच इज नॉट गिवन इन द प्रैक्टिस मैनुअल. So I also referred the study material for IT and SM, but nevertheless I scored the lowest in my IT and SM paper. I don't know why, so maybe because of luck or because of lack of practice, but then never mind. I had referred the old course practice manual, I had referred the study material, and I had also referred the compiler in order to be very firm and very specific enough while writing the answers in my examination. So this was my subject-wise strategy for IPCC. So conclusion में मैं यही बताना चाहूँगा कि focus more on ICAI material, focus more on the modules and the old course practice manual if you have the printouts, and try to solve previous 3 attempts revision test papers and try to give at least one mock test paper in the examination center so that you have an idea how to write the examination before sitting in an actual examination. Okay? So you'll have an idea if you write a mock test either at your home or at an examination center in order to check whether you're able to complete the entire paper within a span of 3 hours or whether you need more time. If you need more time, it clearly means that you need to practice a lot and you need to manage your time effectively so that you're able to complete the entire paper of 3 hours, entire paper of 100 marks in a span of 3 hours itself. Okay, so this was my IPCC subject-wise strategy. I hope this video was useful for all the intermediate students who would be giving their upcoming attempts. So I'm not quite aware about the new subject of economics because it was not there in my attempt. So I am not aware about the strategy that because it was not there in my attempt. Okay, so this was my IPCC subject-wise strategy. अगर आपको ये video useful लगे तो do share, like कीजिए और subscribe कीजिए channel को ताकि मैं और ऐसे videos बनाते रहूँ आप सभी के लिए. तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये वीडियो देखने के लिए. और नेक्स्ट वीडियो मैं ये टॉपिक पे बनाने वाला हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर कैंपस प्लेसमेंट्स सो दैट इट इज़ बेनिफिशियल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव क्वालिफाइड और हु आर विलिंग टू जॉइन एन आर्टिकलशिप फॉर्म, बिकॉज इंटरव्यूज जो है वो आर्टिकलशिप में भी देने और कैंपस प्लेसमेंट्स में भी देने हैं. तो मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा, मेरे लर्निंग्स बताऊंगा और मैं आपको कुछ एडवाइस देना चाहूंगा जो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर पाए कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट.